हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल करेंगे। ये जो न्यूमेरिकल है ये रिलेटेड है चैप्टर ऑफ लॉज ऑफ मोशन पे। तो शुरू करते हैं। स्टेटमेंट है न्यूमेरिकल की, फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 किलोग्राम। राइफल होती है बंदूक, एक बंदूक है जिसका मास जो है जो 4 किलोग्राम है। अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट है जिसे हमने चलाया है बंदूक, राइफल में से एक गोली चलाई है जिसका गोली का जो मास है वो 50 ग्राम है, और जिस स्पीड से गोली चलाई गई है उसकी जो स्पीड है वो 35 मीटर पर सेकंड है। हमें कैलकुलेट करनी है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द राइफल, हमें राइफल की वेलोसिटी फाइंड करनी है, रिकॉयल वेलोसिटी फाइंड करनी है। रिकॉयल होती है जब हम बुलेट फायर करते हैं, जब भी हम बंदूक को चलाते हैं तो जो गोली है वो हमेशा आगे की डायरेक्शन में जाती है, और जिस टाइम पे हम गोली चलाते हैं फायर करते हैं उसी टाइम पे जो हमारी गन है, जो हमारी बंदूक है, वो पीछे की तरफ मूव करती है थोड़ा सा। जब भी आप अगर ध्यान से किसी को गोली चलाते हुए देखोगे मूवीज वगैरह में, तो क्या होता है गोली आगे की डायरेक्शन में मूव करती है और उसी टाइम पे जो हमारी बंदूक है वो पीछे की तरफ झटका मारती है थोड़ा सा, तो उसको हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। तो हमें राइफल की रिकॉइल वेलोसिटी फाइंड करनी है, मीन्स जो वो पीछे की तरफ जो धक्का मारती है बंदूक उसकी हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। हमें दिया क्या क्या है, हमें जो राइफल है मीन्स जो गन है उसका मास दिया है 4 किलोग्राम, जो गोली हमने चलाई है उसका मास हमें दिया है 50 ग्राम, और जो गोली जिस स्पीड से चली है उसकी स्पीड दी है हमें 35 मीटर पर सेकेंड, और हमें राइफल की वेलोसिटी फाइंड करनी है कि जो राइफल है जो गोली चलने के बाद राइफल किस वेलोसिटी से पीछे की तरफ मूव करेगी। तो जो जो हमें गिवन है हमने पहले वो लिख लिया। मास ऑफ द बुलेट हमें 50 ग्राम दिया है, और मास ऑफ द राइफल मींस मास राइफल का जो वजन है वो हमें 4 किलोग्राम दिया है। एक ग्राम में दिया है, एक किलोग्राम में दिया, तो दोनों को सेम डायमेंशन में लेके जाते हैं, सेम यूनिट में लेके जाते हैं, तो इसको भी हम ग्राम किलोग्राम में बदल लेंगे। तो ये जाएगा 50, एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, उसे 1000 से डिवाइड करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, दो जीरोस बची हैं तो पॉइंट जाएगा ऊपर, दो के बाद आएगा एक दो, तो यहाँ पे आ गया हमारा पॉइंट। ये हो गया हमारे पास किलोग्राम, ये आ गया हमारे पास मास ऑफ द बुलेट। मास ऑफ द राइफल हमें 4 किलोग्राम गिवनी था। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जो स्टार्टिंग की वेलोसिटी थी जब हमने गोली नहीं चलाई है, जब हमने गोली नहीं चलाई है उस टाइम पे बंदूक भी रेस्ट पे थी, बंदूक भी मूव नहीं कर रही थी, और गोली जो उसके अंदर थी बंदूक में वो भी रेस्ट पे थी, वो भी मूव नहीं कर रही थी, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि अभी गोली चली नहीं है वो अंदर ही पड़ी है तो वो मूव ही नहीं कर रही, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट होगी 0। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द राइफल, राइफल भी अभी गोली ही नहीं चली है तो वो पीछे की तरफ झटका भी नहीं मारेगी, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द राइफल भी जो हो जाएगी वो 0 होगी। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, किस वेलोसिटी से अब वो चलने लगी है, तो हमें गिवन है वो 35 की स्पीड से हमने उसे चलाया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 35 मीटर पर मीटर। अब फाइनल वेलोसिटी ऑफ द राइफल, अब राइफल की वेलोसिटी निकालनी है तो वो ही हमें फाइंड करनी है। हमारे पास एक लॉ होता है, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है हमारे पास, मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला है होता है एम वी, जहां पे एम क्या होता है मास ऑफ द बॉडी, जो भी हमारा मास होता है बॉडी का, जो भी बॉडी मूव कर रही है उसका, और वी होती है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो आपको मोमेंटम का ये फॉर्मूला याद रखना, मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी के साथ, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम इंटू वी, जहां पे एम क्या होता है मास ऑफ द बॉडी एंड वी क्या होता है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। और जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो क्या कहता है, वो कहता है कि इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम, मीन्स जो शुरू में मोमेंटम होता है वो मोमेंटम और जो बाद का मोमेंटम होता है वो दोनों मोमेंटम एक दूसरे के बराबर होते हैं, इक्वल टू होते हैं। मींस ये स्टेटमेंट आपको हमेशा याद रखनी है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब ये बात, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। अब यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम क्या है, जब गोली नहीं चली थी, जब हमने फायर नहीं किया था गोली का, उस टाइम पे जो मोमेंटम था उसे हम बोलते हैं
इनिशियल मोमेंटम, तो उसे लिखते हैं। दो चीजों का मोमेंटम यहाँ पे ऐड होगा, एक तो मोमेंटम हमारे पास गन का है, दूसरा मोमेंटम हमारे पास उसकी बुलेट का होगा, गोली का होगा। तो हमारे पास दो चीजें हैं, दोनों को मिला के जो टोटल मोमेंटम बनेगा वो हमारा इनिशियल मोमेंटम होगा। तो हमारे पास सबसे पहले हम बुलेट का मोमेंटम निकाल लेंगे। बुलेट का मास हमने क्या लिया था, बुलेट का मास हमने m1 कंसीडर किया था और बुलेट की जो वेलोसिटी थी वो हमने v1 कंसीडर की थी। तो m1 u1 प्लस, अब ये हो गया बुलेट का, अब हमें चाहिए किसका, राइफल का। तो राइफल का मास हमने कंसीडर किया था m2 और उसकी जो वेलोसिटी थी वो हमने u2 कंसीडर की थी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास m2 u2 इज इक्वल टू, अब फाइनल, फाइनल में मास तो सेम ही रहेगा क्योंकि मास वेरी नहीं कर रहा है, हमने फायर किया तो उससे उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, मास सेम ही रहेगा। तो m1 हो जाएगा हमारे पास बुलेट का मास, अब वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी v1 प्लस जो राइफल का मास था m2 और उसकी वेलोसिटी v2। अब इनकी वैल्यूज रखेंगे हम, m1 क्या है, m1 है मास ऑफ द बुलेट, तो बुलेट का मास कितना था 0.05 इंटू वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास बुलेट की 0 प्लस m2 मास कितना, m2 क्या था मास ऑफ राइफल, वो कितना था हमारे पास 4 किलोग्राम, तो 4 इंटू u2 कितनी थी 0, तो इंटू 0 इज इक्वल टू m1, m1 हमारे पास मास ऑफ द बुलेट है, बुलेट का मास कितना था 0.05, वेलोसिटी कितनी थी फाइनल वाली उसकी 35, तो यहाँ पे आ गया 35 प्लस m2 होगा हमारे पास मास ऑफ द राइफल, राइफल का मास था 4 किलोग्राम इंटू जो राइफल की वेलोसिटी है वो हमें पता नहीं है, वही हमें फाइंड करना है। तो v2 को हम ऐसे ही लिखेंगे, किसी भी टर्म को जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो ही हो जाती है, तो ये जीरो बन जाएगी। सिमिलर फोर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी जीरो बन जाएगा इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, पॉइंट जीरो फाइव को जब आप 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.75 प्लस फोर को वी टू से मल्टीप्लाई करोगे तो 4v2 आ जाएगा, 0 प्लस 0 तो 0 ही हो जाएगा इज इक्वल टू 1.75 प्लस 4v2। दिस साइड ये प्लस का है, अगर हम इसे इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का आ जाएगा, माइनस 1.75 इज इक्वल टू 4v2, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, दिस साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा, 1.75 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू v2। जब हम इसे डिवाइड करेंगे 1.75 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.437 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू v2। ये आ गई हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द गन, राइफल की वेलोसिटी आ गई, इस वेलोसिटी से राइफल जो है वो मूव करेगी। ये जो माइनस साइन है वो इंडिकेट कर रहा है कि वो हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर गन, अगर हमारी जो गोली थी वो इस डायरेक्शन में जा रही है तो हमारी राइफल जो है वो पीछे की डायरेक्शन में जाएगी। ये माइनस साइन ये इंडिकेशन करता है कि जो राइफल की वेलोसिटी होगी वो हमेशा उल्टी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में हमारी गोली जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, नहीं तो आप एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।